फाइनेंस एप्लीकेशन में या किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग करते हैं पीटूपी, तो गाइस आपका बैंक अकाउंट हो सकता है फ्रीज। और हो सकता है क्या, अगर आप बार बार पीटूपी करेंगे तो आपका अकाउंट 100% फ्रीज होगा। ये मैं बता रहा हूं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी पहले पीटूपी किया करता था और फिर जो है वो मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। और मेरी तरह बहुत सारे लोगों के जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, जैसे कि मैंने उनके बारे में पता किया। और मुझे पता चला, क्योंकि जब मेरा खुद का फ्रीज हुआ तो मेरे को पता लगा कि यार मेरा ही हो या बाकियों का भी होता है। लेकिन जब मैंने इस चीज के बारे में पता किया तो भाई बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो उसको अनफ्रीज कैसे करना है ये भी हम बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आज की इस वीडियो की बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है वो बाइनेंस में पीटूपी करते हैं तो आपका जो है वो बैंक अकाउंट हो सकता है फ्रीज। तो अब इसका सलूशन क्या है, देखो मेन चीज हम सोल्यूशन लेके आएंगे। अगर आपको तो अब अपने पीटूपी करना है, आपको तो अपनी मनी विड्रॉ करनी है, तो बाइनेंस या कोई भी एप्लीकेशन आपको पीटूपी का ऑप्शन देता है, डायरेक्ट विड्रॉल नहीं देता। अगर डायरेक्ट विड्रॉल देता है तो 30% टीडीएस कटता है, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो 1% टैक्स रहता है और बाकी भी काफी सारी चीजें होती है। तो पीटूपी करने से आप डायरेक्ट जो है वो सेलिंग बाय कर सकते हैं। तो देखो गाइज यही बात है, तो इसीलिए गाइज आप लोगों को भी अगर अपनी मनी जो है वो विड्रॉ करनी है विदाउट पीटूपी किए हुए, क्योंकि पीटूपी करने से जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज होगा ही होगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि अब होगा कैसे उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है इस चैनल पर, आप जाकर तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन बात पर आते हैं कि अगर पीटूपी करने से आपका जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज होगा तो ऐसा क्या करें और ऐसे कैसे अपनी मनी विड्रॉ करें कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। तो दोस्तों उसके लिए जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन भी आपके लिए लेके आया हूं कि आपको आपका जितने भी आपके पास डॉलर है, जितने भी आपके पास यूएसडीटी है, आपको अगर वो सेल करने हो तो गाइज आप डायरेक्ट सीधा जो है वो मेरे को सेल कर सकते हो और मैं जो है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। और जब मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा तो आपको कोई भी रिस्क नहीं होने वाला आपके अकाउंट फ्रीज होने का, क्योंकि आप जब बाहर वाले किसी से पैसे लेते हो तो आपको नहीं पता वो इंसान क्या काम करता है, उसने कैसे पैसे कमाए हैं। तो उस वजह से जो है वो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पैसा हो सकता है धोखाधड़ी का हो, किसी चीज का हो, वो ब्लैक मनी हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, आप नहीं जानते उस बारे में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपका अकाउंट फ्रीज होता है। लेकिन आप जब मेरे से पैसे लेंगे तो सिंपल सी बात है, मेरा पैसा जो एक जेन्युइन वे से कमाया हुआ है और सीधे सी बात है सोशल मीडिया से कमाया हुआ है, तो उसमें जो है आपको कोई भी रिस्क नहीं होने वाला है। तो आपके पास जितने डॉलर्स है गाइस आप जो है वो मेरे को सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी जो है इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ में टेलीग्राम आईडी दी हुई है, मेरे को आप कहीं पर भी मैसेज कीजिए कि आपके पास कितने डॉलर्स है और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, तो हम जो है वो आगे डील करेंगे। और डील करने से पहले जो है वो वीडियो कॉल पर एक दूसरे को वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई एक्चुअली में यही बंदा है, उसके बाद ही हम आपसे डॉलर्स लेंगे या आपसे जो है वो मनी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो गाइज ये एक सेफेस्ट तरीका है, विदाउट पी टू पी करके आप जो है वो अपने डॉलर्स यूएसडी जो है सेव कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो बाइनेंस पर या मतलब आप जो है वो बाइनेंस या किसी भी एप्लीकेशन पर जो है वो पीटूपी करते हैं तो रिस्क रहता है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करना एक बार कि P2P करके अकाउंट फ्रीज, बस इतना ही अगर दोस्तों आप लोग जो है ना सर्च करोगे तो आपको ढेरों सारे लोग जो है वो अपना एक्सपीरियंस सुनाते हुए मिल जाएंगे कि मैंने इतने लाख की ट्रांजैक्शन करी थी, मैंने इतने हजार की ट्रांजैक्शन करी थी और मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो अगर अभी तक आपका अकाउंट जो है वो P2P करने से फ्रीज नहीं हुआ है तो भगवान का एक बार शुक्रिया जरूर कर देना कि हुआ नहीं है। लेकिन अगर आगे करोगे तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। और अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो जिनका हुआ है आप उनसे पूछ सकते हो। जब तक होता नहीं है तब तक इंसान को लगता है कि भाई क्या है, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। बट जब हो जाता है ना दोस्तों तो उस टाइम फिर मेंटल स्ट्रेस लेने के लिए इंसान को तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि फिर जब सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक डिटेल ही नहीं देता है कौन सी ट्रांजैक्शन से हुआ है, किस बंदे की कंप्लेंट है, कहां पर केस रजिस्टर्ड है। और ऊपर से बात है दोस्तों की जब आपका जो है वो बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो वो होता है साइबर सेल द्वारा, मतलब बैंक भी करता है फ्रीज बट पीटूपी के मामले में ज्यादातर साइबर सेल द्वारा ही फ्रीज होता है, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं गलत तरीके से आया हुआ होता है और वो हमारे अकाउंट में आता है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो उस पैसे को जो है वो फ्रीज कर देते हैं। और जिस साइबर सेल से होता है, मान लो आप दिल्ली से हैं कहीं से, बट आपके ऊपर कंप्लेंट जो है कहीं गुजरात से या कहीं किसी भी स्टेट से हुई है, तो आपको जो है वो अनफ्रीज करने के लिए स्पेशली उस स्टेट पर जाना पड़ेगा, जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर सफाई देनी पड़ेगी, वहां पर आपको प्रूफ सामने रखने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो साइबर सेल बैक मेल करेगा बैंक को और आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा और आपका जो बैलेंस है वो अनफ्रीज होगा, ठीक है। और वैसे भी जितना अकाउंट आपका फ्रीज होगा, जितना बैलेंस आपका फ्रीज होगा, आप उसको यूज कर ही नहीं सकते जब तक
जो है वो साइबर सेल की तरफ से आपको क्लीयरेंस न मिले, और साइबर सेल से क्लीयरेंस करने के लिए जहां से भी कंप्लेंट हुई होगी आपको वहां जाना होगा, और उसमें कितना खर्चा होगा, क्या चीजें होंगी, वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की शायद जरूरी नहीं है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। तो इससे अच्छा जो है वो मैंने सेफेस्ट ऑप्शन आपको दे दिया कि आप अपने डॉलर जो है वो मेरे को सेल कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम आईडी भी नीचे दी हुई है और अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, तो आप उस पर सेल कर सकते हैं। तो पी2पी करने से होता है बैंक अकाउंट फ्रीज, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। बाकी रहा कि अगर आपका अकाउंट पी2पी करने से फ्रीज हो गया है तो उसे अनफ्रीज कैसे करें, क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीजें रहती है, कौन सबसे बेटर ऑप्शन है, कितने लाख की ट्रांजैक्शन है, उस पैसे को यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके पास है डॉलर्स तो पी2पी करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके डॉलर्स बाय करने को तैयार हूं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।